पाएंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थावरचंद गहलोत के साथ में इंडिया न्यूज की बात हुई है। थावरचंद गहलोत ने लाल कृष्ण आडवाणी के मुद्दे को लेकर के, मुरली मनोहर जोशी को लेकर के, संघ और बीजेपी के बीच क्या कुछ पक रहा है, इसे लेकर के कई संकेत दिए हैं। ये पूरी बातचीत देखिए आप। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी काफी उत्साहित है, जिसको लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थावरचंद गहलोत जी। थावर जी, 17 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाया है, तो क्या एजेंडा आपको रहेगा? क्योंकि माना जा रहा है कि आप बड़े कह सकते हैं विश्वास में है कि सरकार बन रही है आपकी। निश्चित रूप से 16 तारीख को जो परिणाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व निर्वहन करने वाले हैं और 16 तारीख के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय होगी। आडवाणी जी का मुद्दा सामने आ रहा है कि कोई सम्मानजनक स्थिति उनकी रहनी चाहिए, तो वो केंद्र सरकार में रहकर होगी या बाहर से होगी, उस बारे में क्या डिसीजन? देखो, आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत हैं, आज भी हमारे आदर्श नेता हैं। अटल जी और आडवाणी जी निश्चित रूप से जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के समय तक और आज तक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वो हमेशा नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे। और माननीय आडवाणी जी और जितने भी शीर्ष नेतृत्व है सब मिलकर के जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहिए वो कर लेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आएगी, सब बातें अच्छी होगी और अच्छे माहौल में। उनका किस तरह की होगी, सरकार में उनकी भूमिका रहेगी या एनडीए के चेयरपर्सन का एक विकल्प के तौर पर आ रहा था कि वो विकल्प उनके पास रहेगा? मैंने बताया कि सब मिलकर के जो जो बातें हो सकती है उन पर विचार करेंगे और सर्वानुमति से निर्णय होगा, अच्छे माहौल में सरकार का गठन होगा। थावरचंद गहलोत जी का साफ कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जो स्थितियां बनेंगी उन सारी स्थितियों पर विचार किया जाएगा, साथ ही एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी भूमिका पर भी गौर किया जाएगा, विचार किया जाएगा और एक भूमिका पूरी बनाई जाएगी। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोई 7 RCR में अपना एंट्री प्लान बना रहा है, कोई 7 RCR से एग्जिट प्लान बना रहा है, कोई खुशी मना रहा है, कोई गम मना रहा है, कोई 16 मई के लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, कोई 16 मई के लिए किसी का वेलकम करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कांग्रेस खेमे में हलचल क्या चल रही है, कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है? कल अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं और कांग्रेस की करारी हार होती है, सूपड़ा साफ होता है, उसके बाद कांग्रेस क्या करेगी, ये सब कुछ दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में ब्रेक के बाद।